बनासकांठा जिल्लाना थरात तालुकाना गेड़ा गामे हनुमानजीनुं मंदिर आवेल छे अने आ मंदिरनी विशेष ओळखाण एटले नाळियेरनो पहाड़। हाँ बिल्कुल साची वात छे, श्रीफळनो पहाड़। आजथी आश्रे 600-700 वर्ष पहेला गेड़ा गामना एक गोवाड़े खीजड़ाना वृक्ष नीचे पत्थरनी एक शिला देखी अने गामना लोकोने वात करी। गाम लोको भेगा थईने जोयुं तो ते हनुमानजीनी मूर्ति जेवी स्थितिमां लागी। एकवार थरात तालुकाना आसोदर गामनी जग्याना संत श्री हरदेवगिरी बापू कोई कारणसर गेड़ा गामेथी परत आवती वखते हनुमानजीना मंदिरेथी नाळियेर लईने नाना बाळकोने प्रसादी रूपे खवडावी दीधा। पछी हरदेवगिरी बापूने रात्रे खूब तकलीफ पड़ी। तेमणे मनोमन हनुमानजीने कह्युं के मैं जे श्रीफळ खाधा हता तेना डबल करीने मूकीश। त्यारे बापूनी तबियत सारी थई। बीजा दिवसे हरदेवगिरी बापू गेड़ा गामे जईने नाळियेर मूकी आव्या अने हनुमानजीने मीठो ठपको आप्यो के लंगड़ा मने साधुने न छोड़ियो, जा हवे तारे त्यां नाळियेरनो मोटो पहाड़ थाशे, लोको दूर दूरथी तारा दर्शन करवा आवशे। आजे पण आ गेड़ा गामे आवेल हनुमानजीना मंदिरे दर शनिवारे देश विदेशना लोको दर्शन करवा माटे आवे छे अने धन्यता अनुभवे छे। हाल पण ते खीजड़ाना वृक्ष नीचे मूर्ति छे। गाम लोकोए मंदिर बांधवानी योजना बनावी हती पण हनुमानजीए परवानगी न आपी। त्यां खाली पत्रानो सेट बनावेलो छे। श्रद्धाळुओ पोतानी मानता पूरी करवा माटे श्रीफळ रमतू मूके छे, कोई श्रीफळनुं तोरण चढ़ावे छे। आजे तो श्रीफळनो मोटो पहाड़ बनी गयो छे, तेथी ते मंदिरने श्रीफळ मंदिर कहेवाय छे। आटला मोटा नाळियेरना ढगलामांथी एकय नाळियेर बगड़तुं नथी। बनासकांठामां 2015 અને 2017માં પૂર આવેલ પણ પૂરમાં એક પણ નાળિયેર તણાઈ નથી।